हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनी कलेक्शन। आज मैं आप लोगों के साथ इस स्लीव्स की डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने कपड़ा लिया हुआ है, जो स्लीव्स हमारी है नॉर्मल, उससे हमने डबल कपड़ा लिया हुआ है। इस स्लीव्स के डबल हमने कपड़ा लिया हुआ है और अब इसे हम बीच सेंटर से ही निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये सीधी लाइन हम खींच लेंगे, दोनों साइड हमें निशान लगाना है। अब हम निशान से लेकर के दो इंच का, दो दो इंच करके हम ये चार निशान लगाएंगे दोनों साइड में। इस तरह हमें ये दोनों साइड में निशान लगाने, ऊपर और नीचे। तो ये मैं पूरा निशान लगा ले रही हूँ नीचे। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इसको हम या तो किसी भी साइड में हम इसे पकड़ के इसको ऐसे एक दूसरे पे ऐसे प्लेट रखते हुए हम इसे पिनअप कर देंगे। इस तरह चारों प्लेट्स को हम एक बराबर में पिनअप करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह हम इसको पिन कर देंगे। और नीचे की साइड हम बीच से हम इसको लगाएंगे और थोड़ा सा गैप देते हुए हम नीचे भी पिन कर देंगे, पिन लगा देंगे इसमें। इस तरह हम इसको पिन अप कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ऊपर सिलाई करेंगे, जहाँ हमने प्लेट डाली है वहाँ, और नीचे साइड भी हम दोनों साइड इसे सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम ये नीचे भी बराबर करते हुए प्लेट्स को ऐसे सिल लेंगे। फिर हम उसके बाद ये जो हमारी स्लीव्स कटी हुई है, इसको हम बराबर से इसको रखेंगे। और जो ये हमारा बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसे प्लेट डालने के बाद ये हमारा तिरछा हो जाता है, तो इसको हम कट कर देंगे इस तरह। दोनों साइड से हम इसे बराबर कट कर लेंगे। फिर हम इसको ऐसे सीधा रखते हुए इसकी हम सिलाई कर देंगे। इस तरह हम इसको चारों तरफ से सिल लेंगे। और अब ये हम पट्टी लगाएंगे, जो बॉर्डर मैंने बनाकर रखा हुआ था गोटा पट्टी से। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर देख के बना सकते हैं। इस तरह हम इसको दोनों साइड से हाफ हाफ इंच फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, और बीच सेंटर से इसे बीच सेंटर में ऐसे रखते हुए यहाँ पे हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। और ये जो हमारा बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसको हम बाद में कट कर देंगे। मेरा ये थोड़ा सा बढ़ गया था, क्योंकि मुझे पांच प्लेट डालनी थी, लेकिन मैंने सिर्फ चार प्लेट ही डाली है, इसलिए ये मेरा आस्तीन का कपड़ा थोड़ा बढ़ गया है।
क्योंकि थोड़ा कम था इसलिए चार प्लेट पांच प्लेट्स नहीं आ रही थी, तो मैं इसे बाद में कट कर दूंगी। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से ऊपर से सिल लेंगे, तो हमारा ये अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ ये बॉर्डर लग जाएगा और दोनों साइड से हमें हमारी ये स्लीव्स एकदम अच्छे से फिनिश हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह हमने ये स्लीव तैयार कर ली है और दोनों, और देखिए कितनी सुंदर और कितनी अच्छी अब बन गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक में देख रहे हो तो मुझे फॉलो करें। थैंक्स।